किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार। देखिए 15 शिकायतें आज एजेंडे में थी, 2 ड्रॉप हुई इसमें, 15 टोटल शिकायतें हमारे पास थी और मेरे ख्याल से 8 पेंडिंग हुई है, 5 क्लियर हुई। ज़्यादातर करप्शन को लेके आई है सर, गवर्नमेंट को लेके, सरकार दावे का ईमानदारी की कुछ कहीं पर अभी भी बचा है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए समस्या है, जो लोग शिकायत लेकर आए हैं कहीं ना कहीं ग्राउंड पे अनियमितताएँ या पैसे का जो लोगों की शिकायतें थी उनकी जाँच के आदेश दिए हैं, जो जो इसमें लिप्त पाए जाएंगे कानून सख्त कार्रवाई करेंगे। सर केंद्र सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करना चाहती है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारी कमेटी में दोनों MP साहिबान बैठे हैं, सभी हमारे विधायक बैठे हैं, पूरी सरकार की सोच है कि जीरो टॉलरेंस पे काम हो और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उस पर सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी। सर केंद्र सरकार के द्वारा हरियाणा विधानसभा की जो जगह है वो चंडीगढ़ में दी जा रही है, पंजाब सरकार कुछ नहीं है, क्या कह रहे हैं? देखिए वो सरकार लेवल पर फैसला लेना है और उस पर मैं तो ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में, केंद्र के अधिकार क्षेत्र में, वो ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, मेरा बताना इसमें ज़्यादा वाजिब। आपकी राय क्या होगी सर? अलग से राय हम कैबिनेट में हैं, उनके कैबिनेट में जब हमारे से वो राय पूछेंगे तब हमारी राय उनको जरूर देंगे, अभी मुख्य अधिकार क्षेत्र होता है तो वो ज़्यादा बेटर जवाब देंगे। अलग से विधानसभा का क्या बेनिफिट होगा? नहीं बेनिफिट अलग विधानसभा होती है, बेनिफिट तो एक नई बिल्डिंग बन जाएगी, ये होगा आज प्रॉपर एक सुविधाओं के साथ बन जाएगी, आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पंचायत चुनाव सर कब तक वेट कर रहे हैं लोग? बहुत जल्दी, सितंबर में लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, आने वाले सितंबर माह में पंचायत चुनाव लगभग पूरी तय है। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कांग्रेस के विधायकों को धमकी मिल रही है, तो ऐसे में सर वो माननीय स्पीकर साहब के संज्ञान में मामला गया है, उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला गया है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो और उनके खिलाफ जो शिकायतें गई हैं सख्त कार्रवाई होगी और सुरक्षा की दृष्टि से भी, वो तो जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा भी और पूरे प्रदेश की सुरक्षा सरकार का ड्यूटी है, सरकार का दायित्व है, उसको ईमानदार पूरी उसके साथ निभाया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाएगा और ऐसे लोग जो ऐसी धमकियाँ दे रहे हैं कार्रवाई होगी, बख्शा नहीं जाएगा। मुश्किल घड़ी जैसे स्ट्रोक, न्यूरोसर्जन, सर्जरी में भी आपके बेहतर इलाज के लिए अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ RTO's हॉस्पिटल है ना। RTO's हॉस्पिटल नियर ताऊ देरीलाल पार्क, GT रोड, पानीपत। गांव की सरकार ने क्या काम किए पूरे या फिर लोगों से किए गए वायदे रह गए अधूरे? क्या सरकार की योजनाएं गाँव में हो रही है पूरी या फिर ग्राम पंचायत के कार्य रह गए हैं अधूरे? गाँव के विकास की, पंचायत के कार्यों की और गांव के इतिहास के सभी सवालों के जवाब लेंगे हम, जवाब देंगे सरपंच साहब। जल्द आ रहा है सिटी तहलका का खास कार्यक्रम सुनाओ सरपंच साहब।